What does the graph say? Hello friends, welcome once again to tradingfab.in. A core learning video. Basically इस वीडियो में ज़ीरोधा ने कुछ नए फीचर्स लाए हैं अपने चार्ट ट्रेडिंग टर्मिनल पे, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वो क्या फीचर्स है वो देखेंगे। सबसे पहले तो है कि आप चार्ट के थ्रू ही ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, और कुछ नए इंडिकेटर्स हैं, टूल्स हैं जिसे ज़ीरोधा ने अपने चार्ट आईक्यू जो ट्रेडिंग टर्मिनल है चार्ट का, उसके यहाँ पर ये सारे नए इंडिकेटर्स ऐड किए हैं। वो एक बार वन बाय वन हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, ट्रेडिंग फाइव ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो हमारा जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको फ्री में मिल सकता है, आप उसमें फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। तो सिर्फ आपको करना क्या है, अगर आपको ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करना है यहाँ पर क्लिक करना है तो ये फॉर्म एक ओपन हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू करना है। ऑनलाइन प्रोसेस है, एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब क्लियर है तो। एक बार आपका अकाउंट ओपन हो गया तो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपको आपका जो क्लाइंट आईडी है वो कंफर्म कर सके और आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। हमारा परफॉर्मेंस देखना है तो यहाँ से आप हमारा परफॉर्मेंस लास्ट पास्ट का वो देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। तो चलते हैं ज़ीरोधा के चार्ट के ऊपर क्या फीचर्स है उसके बारे में जानते हैं। ये ज़ीरोधा का ट्रेडिंग टर्मिनल है, यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है फ्यूचर का। इसे सबसे पहले पॉप आउट कर देता हूँ तो ये यहाँ पर और अच्छे से हमें दिख सकता है चार्ट। बेसिकली फर्स्ट फीचर जो है वो है चार्ट के ऊपर से ही आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर राइट साइड में एक ट्रेड का बटन है, उसको क्लिक करना है तो एक यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगा। तो आपको सिर्फ किस प्राइस पे आपको बाय या सेल करना है वो आपको सिर्फ ड्रैग करना है इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो प्राइस आ जाएगा और आपको जो चाहिए बाय और सेल वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको इस बटन पे क्लिक करना है। तो बटन क्लिक करते ही ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। आज ट्रेडिंग हॉलीडे है, आज वर्किंग मार्केट आवर्स नहीं है तो इसके लिए ये एरर दिखा रहा है। तो यहाँ से कुछ ऑर्डर जो है आफ्टर मार्केट ऑर्डर ये हम प्लेस करते हैं और देखते हैं कैसे चार्ट के ऊपर ये प्लेस होता है। तो यहाँ से ये एक बाय ऑर्डर हमने प्लेस किया और एक सेल ऑर्डर हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। तो एक बाय और एक सेल ऑर्डर हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये आपको सिर्फ ड्रैग करना है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो और ये मॉडिफाई हो जाएगा प्राइस, और सिर्फ आपको मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखिए आपका जो लेवल था बाइंग लेवल ये ऊपर आ गया। अगर सेम सेल प्राइस का भी ऑर्डर अगर आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है, बस ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ऊपर नीचे करना है, प्राइस सिलेक्ट करना है और मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए ये मॉडिफाई हो गया। तो ये एक एडवांटेज है, डायरेक्ट चार्ट थ्रू आप आपका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और एक दूसरा फीचर है इवेंट्स करके, इसमें एक ऑर्डर्स करके ऑप्शन है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी सारी ऑर्डर्स जो अभी मार्केट बंद है लेकिन जो भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ रहेगा, प्लेस हुआ रहेगा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो आपका ऑर्डर डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो मैं जस्ट इसे कैंसिल कर देता हूँ इन ऑर्डर्स को। ये हो गया चार्ट के ऊपर आप ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। अभी कुछ इंडिकेटर्स हैं जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स, आप देख फाइंड आउट कर सकते हैं चार्ट में कहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपना ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद आरएसआई डाइवर्जेंस है, एक एक ये इंडिकेटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो स्टडीज में आपको जाना है और यहाँ पर है कैंडलस्टिक पैटर्न्स करके एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करना है। तो चार्ट में ये 5 मिनट का चार्ट है, तो जैसे ही इन चार्ट में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो ये हाईलाइट हो जाएगा। आप उसके नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, हरामी कैंडल है, फिर यहाँ पर 3 आउटसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न है,
जैसे जैसे कोई भी इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। ये जबरदस्त फीचर है। कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है इसके बारे में अलग से वीडियो बना सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे एनालाइज करते हैं उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो RSI डाइवर्जन है, MACD डाइवर्जन है, जो हम काफ़ी बार निफ्टी चार्ट को एनालिसिस करते हैं, जो हर सुबह वीडियो आता है उसमें हम ये काफ़ी बार डिस्कस करते हैं। तो RSI डाइवर्जन का ये जो स्टडी है वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल रहा है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मैं इसे सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। आपको स्टडीज में जाना है और RSI डाइवर्जेंस को आपको फाइंड करना है। ये रहा RSI डाइवर्जन, जस्ट क्लिक करना है। इसे मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे। और जो कैंडलस्टिक चार्ट है इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो ये जहाँ जहाँ पर ये डाइवर्जेंस हो रहा है, डाइवर्जेंस यानी RSI लोअर हाइज अगर क्रिएट करता है और प्राइस एक्शन में अगर ऊपर हायर आइज क्रिएट करते हैं तो ये डाइवर्जन होता है प्राइस वर्सेस RSI। तो ये हमें जल्दी इंडिकेट करते हैं कि अभी ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होने वाला है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड होने वाला है या फिर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने वाला है। जैसे कि आप इस चार पिक में देख पा रहे हैं, हम निफ्टी एनालिसिस जो हर सुबह करते हैं उसमें हम ये काफ़ी टाइम हम ये एनालिसिस करते हैं कि RSI डाइवर्जन कैसे हो रहा है, कहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आ सकते हैं। तो ये एक प्रोबेबिलिटीज होती है, इसके थ्रू आप RSI डाइवर्जेंस आप देख सकते हैं। उसी तरह MACD डाइवर्जेंस का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। ये देखिए MACD डाइवर्जेंस, RSI को मैं बंद कर देता हूँ। ये है MACD डाइवर्जेंस, अभी आप देख सकते हैं ये MACD में लोअर हाईस क्रिएट हो रहा है, यानी प्रीवियस हाई यहाँ पर है और उसका नेक्स्ट करंट हाई उसके नीचे बन रहा है। तो यहाँ पर ये डाइवर्जन है और ऊपर प्राइस एक्शन में देखें आप तो यहाँ पर ये जो हाई बना है इसके ऊपर ये हाई बना है लेकिन MACD में लोअर हाई बना है, तो यहाँ पर ये डाइवर्जन है। तो यहाँ पर ये सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ से ये प्राइस यहाँ पर नीचे आ चुका है, वैसे ही जैसे यहाँ पर हायर हाइस क्रिएट होते हैं, यहाँ पर हायर बॉटम्स क्रिएट होते हैं और प्राइस एक्शन में सेम बॉटम्स बनते हैं तभी यहाँ पर डाइवर्जन क्रिएट होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो सबसे पहले हमें MACD और RSI ये जो सपोर्टिंग इंडिकेटर्स है ये पहले सिग्नल दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज होती है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है जो Zerodha ने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो हमारे वेबसाइट से आप लिंक थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं, उसके साथ हमारी जो इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी आपको फ्री में मिल सकती है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स थे। और एक है इंडिकेटर सेंट्रल पिवट रेंज का, तो ये एक बार देख लेते हैं। काफ़ी फेमस हुआ है ये इंडिकेटर सेंट्रल पिवट रेंज, तो इसके थ्रू भी आप अपना इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान ये जो है यहाँ से आप प्लॉट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। और एक देखें तो एडिंग इंडिकेटर्स एंड अदर इंडिकेटर्स, ये एक अच्छा ऑप्शन है। यानी अगर आप किसी इंडिकेटर के ऊपर आपको कोई स्टडी ओवरलैप करनी है, ओवर प्लॉट करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी सपोज अगर मैं यहाँ पर MACD इंडिकेटर ऐड कर देता हूँ, ये मैंने MACD इंडिकेटर यहाँ पर ऐड कर दिया। अभी इसी MACD के ऊपर मुझे अगर मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है, सपोज ये 50 EMA है, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ एक्सपोनेंशियल, यानी 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी 5 मिनट का चार्ट है तो 5 मिनट के हिसाब से 50 मिनट के हिसाब से यहाँ पर एवरेज लाइन प्लॉट होगा। और फील्ड में जो है यहाँ पर मैं MACD सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने MACD सिलेक्ट किया। कलर मैं चेंज कर देता हूँ पिंक, तो दिखने में आसानी होगी। ये डन कर दिया। तो MACD में हम और एक मूविंग एवरेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से इस ये जो ऑप्शन है इसके थ्रू आप कोई भी स्टडी किसी भी इंडिकेटर या फिर किसी भी प्लॉट के ऊपर ओवरलैप ओवर प्लॉट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि Zerodha ने अभी ऐड किया है। और एक है नए ड्राइंग टूल्स है कुछ ऐड किए हैं। अगर आपको ड्राइंग टूल्स करना है, आप टेक्निकल्स फॉलो करते हैं, तो आपको जस्ट ड्रॉ पे क्लिक करना है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने में मिल सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है, यानी फिबोनाची थ्रू प्रोजेक्ट कर सकते हैं आने वाली प्राइस को।
यहाँ पर चैनल प्लॉट कर सकते हैं आप, जस्ट आपको क्लिक करना है और ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। इसको आप चाहिए तो क्लोन भी आप इसका बना सकते हैं। इसको डिलीट करना है तो कर्सर लेना है, सिर्फ इसके ऊपर जाना है और कीबोर्ड का डिलीट बटन दबाना है, तो ये डिलीट भी हो जाएगा। तो काफ़ी सारे टूल्स है, ड्राइंग टूल्स जो जीरोधा ने अभी इस चार्ट IQ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ऐड किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।